पामकी में कचलावे अखियां च तू वसे हाए अखियां च तू वसे। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ क्रिएटिविटी और मैं हूं आपकी दोस्त राजसीमा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज कोई मेरा दोस्त फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो दोस्तों, फेस्टिवल सीज़न जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं 17 अक्टूबर से, नवरात्रे आ रहे हैं तो घरों को सजाने की जो परंपरा है वो चालू हो गई है। तो हमने भी घर में ये काम स्टार्ट कर दिया है तो कुछ चीज़ों का आज हम करने जा रहे हैं DIY। ये मटका है हमारे पास, लास्ट ईयर जब करवा चौथ हुआ था तो ये उसका करवा है और एक दो पूजा और हुई थी तो उसके लिए ये छोटे छोटे मटकों का यूज़ किया गया था। तो आज हम इन्हीं मटकों को एक नया लुक देने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहले तो ये मटके ऐसे ही पड़े हुए थे, इसमें मिट्टी डाल के एक दो पौधा लगाया हुआ था तो, बट अब इसको क्या है हम पेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर दीदी जो है सिल्वर कलर का पेंट कर रही है। तो आप के पास भी अगर कोई ऐसा मटका वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने अभी फेंक दिया है, ख़राब हो रखी है, तो आप उसको पेंट करके एक नया लुक दे सकते हैं, बिल्कुल न्यू लुक। आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, आप देख करके हैरान हो जाओगे कि ये इतना पुराना गला सड़ा सा गंदा सा जो मटका था ये इतना सुंदर कैसे हो गया। तो दोस्तों, इसमें सिल्वर कलर किया जा रहा है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, सॉरी कलर नहीं पेंट, दीदी यहाँ इसको पेंट कर रही है तो आप कोई भी इसको पेंट कर सकते हो किसी भी कलर का। तो यहाँ पर हमने इसको सिल्वर पेंट किया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल न्यू एकदम से चमक रहा है। तो इसी तरीके से और जो छोटे छोटे करवे थे, 3-4 पीस थे दीदी के पास, तो दीदी ने उनको भी पेंट किया और अब इनको रख दिया है धूप में 7-8 घंटों के लिए ताकि ये जो पेंट किया है ये अच्छे से सूख जाए। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं रखे हुए भी। सो दोस्तों, नेक्स्ट डे आ गया है, अब टाइम है इसको डेकोरेशन देने का। तो ये जो दीदी के हाथ में आप देख रहे हैं ये LED बल्ब है, हर घर में मिल जाता है बट ये फ्यूज़ हो चुका है, तो इसका फ्यूज़ उड़ चुका है तो इसलिए अब हम इसको इसमें रखेंगे। तो देखिए, देखने से ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। और अब आते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर की जो दीपावली थी उसमें आपने लड़ियों को लगाया होगा, कलरफुल लड़ियाँ जिस तरीके से आप दीदी के हाथ में देख रहे हैं। तो ये जो लड़ियाँ हैं ये बल्ब जो हैं इसके ख़राब हो चुके हैं तो अभी हम इनका बेस्ट यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे हमने पुराने करवा मटकों का यूज़ किया है पेंट करके उनको नई लुक दी है तो अब हम इसको भी नया लुक देने जा रहे हैं। तो ये उलझे हुए हैं तो दीदी अभी इसको थोड़ा सेट कर रही है। तो करना क्या है दोस्तों, हमने इसको इस तरीके से जो बीच वाला खाली पार्ट है इसको नीचे की तरफ करना है और ये जो इसके छोटे छोटे बल्ब हैं इनको हाथ में पकड़ना है। इस तरीके से आपने इसको कलेक्ट करना है कि ये एक बंच का रूप ले लें। तो अभी यहाँ पर दीदी सेट कर रही है, आप ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए ये छोटे-छोटे से लट्टू जो हैं इकट्ठे हो करके कलरफुल हैं तो और अच्छा लग रहा है। तो इनको आपने इकट्ठे कर लेना है अगर आपके पास ये नहीं है, कोई और चीज़ है ऐसे ही लड़ियाँ जो होती हैं वो हैं जहाँ कुछ दूसरे टाइप का स्टार टाइप की, आजकल बहुत किस्म की लड़ियाँ आती हैं तो हम लोग अक्सर रख देते हैं और जब नेक्स्ट ईयर उसको लगाने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ बल्ब तो चलते नहीं है, कुछ चल जाते हैं तो फिर हम फेंक देते हैं। बट दोस्तों, इसका हम बेस्ट यूज़ करके बहुत ही अच्छा एक डेकोरेशन का पीस बना सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये हाथ में, जैसे कलरफुल है। तो जैसे ही हम इसको सिल्वर के उसमें मटके में रखेंगे तो इस जो इसका जो कंट्रास्ट बनेगा उसके साथ
बहुत सुंदर लगने वाला है। तो दीदी अभी इसको एकदम से सेट कर रही है, जो कलर है उनका भी ध्यान रख रही है कि कौन सी साइड में येलो ज़्यादा आ रहा है और कौन सी साइड में ग्रीन ज़्यादा आ रहा है। तो ये देखिए एक किस्म का पूरा सा एक बंच इसका तैयार हो गया है, और नीचे से फिर वही जो तार होती है जिसको हम प्लग में लगाते हैं, उसी तार से ही आपने इसको अच्छे से लपेट देना है। तो नीचे इसकी एक स्टेम सी बन जाएगी, और अगर आपका मटका बड़ा है तो उस मटके के नीचे पहले आप कुछ पेपर वगैरह ऐसे कुछ डाल लें तो फिर इसको रख दें। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो दोस्तों इस तरीके से आप DIY कर सकते हैं चीज़ों का, और पुरानी चीज़ों को नया लुक दे सकते हैं। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में जाना इतना अभी इजी नहीं है, तो इसलिए घर पर ही आप अपने घर को दीपावली के ऊपर, दशहरे के ऊपर सुंदर बनाएं। तो ये देखिए अभी इन्होंने ले ली है लड़ियाँ, ये मारून कलर की हैं, और इसी के साथ इनके पास ग्रीन कलर की भी हैं। तो दो तीन कलर की जो लड़ियां हैं उनको लेकर के उनके बंच बना लीजिए, और इसी तरीके से आप मटके में डाल करके ये इनको थोड़ा सा शेप दे दीजिए, एक ट्री की तरह जो ऐसे इसकी पत्तियां सी ऐसे फैल जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इसको फैला सकते हैं। और ये देखिए इसका जो वो था प्लग भी इसके साथ में ही है, शू जो इसका है तो उसी के साथ उसको रख रखा है अभी साथ में। ये देखिए अब इसको ऐसे करके रख सकते हैं कलरफुल, चाहो तो आप सिंगल में भी रख सकते हैं। सो दोस्तों फाइनल लुक आई है ये, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये चमक रही है ये तीनों के तीनों जो हमारे मटके हैं छोटे बड़े तीनों साइज़ के। तो आप इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं इन चीज़ों से। और दीदी जो है बहुत अच्छा क्राफ्ट करती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं भी करती हूँ, मैंने भी अपने वीडियोस अपलोड किए हैं कई। तो ये आप देख सकते हैं दीदी ने बहुत ही सुंदर से ट्री बनाए हुए हैं, ये सिल्वर ट्री है, मल्टी कलर ट्री है, और नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये जो होते हैं ना गेहूं के जो छिट्टे होते हैं जिसमें गेहूं बनती है उनको कलर किया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से छोटे छोटे DIY किए हुए हैं, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। सो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।